मुख्यमंत्री भूपेन्द्र यादव को दावी 2024 रे ओडिशा रे बीजेपी सरकार कौनसी दल सह हेबनी बुझाबणा एकाकिलो ही सरकार गढ़िबो बीजेपी 2024 विधानसभा निर्वाचन को नहीं विभिन्न दल पक्षर प्रस्तुति भितर ओडिशा गस्तर आसीथिबा केन्द्रमंत्री भूपेन्द्र यादव देइछंती बड़ बयान केन्द्रमंत्री दावी 2024 रे एकाकी लड़ी ओडिशा रे सरकार गढ़िब बीजेपी भाजपा ओडिशा में सरकार बनाएगी और एक अच्छी सरकार ओडिशा के लोगों को देगी जिसकी वजह से भाजपा अकेले लड़ेगी कोई गठबंधन नहीं भाजपा पूरा चुनाव लड़ेगी केन्द्र मंत्री बयान को नहीं बीजेपी राज्य सभापति कहते जनमत आम सपक्ष एथर अप्रत्याशित आसन जितिबो बीजेपी यार काउंटर करिछि बीजेडी मंत्री प्रमिला मल्लिक कहते बीजेडी गढ़िबो राज्य में षष्ठ थर पर सरकार समस्ते जितेबले सरकार गढ़िबा को दावी करुछंति कांग्रेस भी काहेकि छाड़िबो एते द्वंद कोन रहला आमे को सब दिन कहू भूपेन्द्र यादव कहते आप उखड़े पचार असुविधा कौन अच्छे क्लारीटी स्पष्टता आम मन अच्छे आप सन्देह कहीं जात हो लड़ूना मना से तो सब दिन एकाक लड़ुं नौ मसीह तो एकाक लड़ुं से लड़े लड़बार कौन असुविधा अच्छे से दिन रोक स्वप्न देखने जा हुए से दिवा स्वप्न सबुदिन से देखती आम सहित गठबंधन भी ना आम जानी बीजेडी बीजेपी गोटे जिते प्रकार लोकसभा बिल आसे बीजेडी साहय करते प्रकार बिल आ राज्यसभा बीजेडी साहय करे बीजेपी भोट हार लगातार बढ़ी चली 1995 मात्र 7.5% भोट पाई बीजेपी 2019 निर्वाचन में हासिल कर प्राय 38% भोट से 2004 राज्य में 33% भोट पाई कांग्रेस भोट हार खसी 2019 16% पहुंची 2019 लोकसभा क्षेत्र में बीजेडी और बीजेपी मध्य भोट व्यवधान था मात्र 10 लक्ष ओडिशा रे बीजेपी लगातार भोट हार वृद्धि आधार में 2024 सरकार गढ़ा नहीं दावी करिछंती केंद्रमंत्री भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।